नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना वायरस संकट के बीच एक खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दवा मिल गई है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है। देखिए, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की मौत इस महामारी में हो चुकी है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन और ड्रग बनाने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है और उनमें से 19 कंपनियां तीसरे लेवल के ट्रायल तक भी पहुँच चुकी है। भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोशों पर सफल रहा है और इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक या फिर 2021 के शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन आ सकती है, लेकिन उससे भी पहले विश्व की 2 अग्रणी कंपनियां बिल्कुल फाइनल स्टेज में कदम रख चुकी है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की COVID-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। ब्राजील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्वस्त है। साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस वैक्सीन का उत्पादन AstraZeneca करेगी, वही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।